Hi everyone, मैं डॉक्टर रित्वा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग और स्मोकिंग को छोड़ने के बारे में, इसको हम क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम या स्मोकिंग सजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। स्मोकिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं। स्मोक में 40,000 से ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, 60 से ज्यादा कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं तो फिर आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और एलर्जीज का रिस्क बढ़ता है, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे COPD का रिस्क बढ़ता है, कैंसर्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, चाहे वो मुंह के गले के कैंसर्स हो, लंग के कैंसर्स हो, ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, ब्लैडर या इनफैक्ट बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के कैंसर का रिस्क स्मोकिंग से बढ़ता है। इसी के साथ स्मोकिंग से बढ़ता है आपके हार्ट अटैक का रिस्क और आपके स्ट्रोक का रिस्क। स्मोकिंग बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, जिसको सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप या आपके घर में कोई स्मोक करता है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है और वो लो बर्थ वेट, प्री मैच्योर या कभी कभी अबॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए इस स्मोकिंग के दलदल से निकलिए और इसमें आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं होता। स्मोक में एक कंपोनेंट होता है निकोटीन, जो एडिक्टिव होता है, जो आपको लत लगाता है और आपको बार बार आपको स्मोक करने की अर्ज होती है। तो जब आप सोचते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है, तब आपको स्मोकिंग सजेशन क्लिनिक या क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। ये तीन तरह से होता है। सबसे पहला होता है बिहेवियरल काउंसलिंग, आपके साथ मल्टीपल सेशंस होते हैं शुरुआत में, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि वो समय आपके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है। सेकेंड चीज होती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिकॉज निकोटीन ही एडिक्शन कॉज कराता है। तो जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अगर आप हेल्थ ठीक नहीं करते तो आप उस विड्रॉल सिम्टम्स को ओवरकम करने के लिए फिर से स्मोकिंग में आ जाते हैं। अगर आप हमारे पास आते हैं तो फिर हम आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ निकोटीन गम्स, लोजेंजेस, निकोटीन स्प्रेज, इनहेलर्स, निकोटीन पैच की तरह होता है। कौन से पेशेंट के लिए कौन सी थेरेपी सक्सेसफुल रहेगी और ये कितने समय के लिए देना है, ये उसके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड होता है। कुछ सेट ऑफ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उन पेशेंट्स में कुछ हफ्ते के लिए हमें कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ये दवाइयाँ मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। तो इसलिए स्मोकिंग को छोड़ने का जो प्रोसेस होता है, ये डिफिकल्ट तो होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। थोड़ी सी हेल्प और थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको अपने लेवल में सिर्फ अपना मन बनाना है कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और फिर हमको अप्रोच करना है। हम आपकी सिवियरिटी के हिसाब से आपका प्लान बनाएंगे और 6 to 12 weeks के अंदर आप स्मोकिंग को पूरी तरह छोड़ देंगे। यह आपके आने वाले फ्यूचर के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए ये स्टेप उठाइए। अगर आपको स्मोकिंग से परेशानी हो रही है और आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा स्मोकिंग सजेशन क्लिनिक फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपका स्मोकिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो फिर वो भी आप कॉमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। I hope you will quit smoking. Stay safe.